मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है, जहां एक NRI महिला ने शिकायत की है कि उसके पति ने उसे 31 जुलाई को व्हाट्सएप पर तलाक दे दिया, जिसके बाद वो लगातार अपने पति को मनाती रही लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस दौरान महिला ने पति से अपने बच्चों को लौटाने की गुहार लगाई, जिसे पति ने नहीं माना। अगर 19 साल की शादी 19 सेकंड में बिखर जाए तो उसका दर्द कैसे आंसुओं का सैलाब बनकर फूटता है, ये उसी महिला की जुबानी सुनिए। मेरी शादी को 19 साल हो गए, दो छोटे बच्चे हैं, मेरा बड़ा बेटा इस महीने 13 साल का होगा और मेरा छोटा बेटा अभी सिर्फ 5 साल का हुआ है। 11 जून को मेरे हस्बैंड ने शादी को 19 सालों में, शादी के बाद से ही मेरे हस्बैंड की डिमांड्स होती थी जो मेरे घर वाले हर मुमकिन कोशिश करके पूरी कर देते थे। इकलौती बहन थी भाई की, मेरे डैडी ने ये तो जिस तरह से हो रहा था सब वो कर रहा था। जैसे जैसे मेरे हस्बैंड के प्रमोशंस हुए वैसे वैसे उनकी डिमांड्स चेंज हुई। सिंगापुर से हम लोग मलेशिया पहुंचे, वहाँ हमारा बड़ा बेटा हुआ। उसके बाद गुड़गांव हम लोग शिफ्ट हुए। गुड़गांव में मेरे हस्बैंड होटल मैनेजर की पोजीशन में पहुंचे थे। हर थोड़े दिन में प्रॉब्लम्स होती थी, भाई उनकी डिमांड्स पूरी करके चीज़ें मैनेज कर लेता था कि किसी तरह से शादी बन जाए, किसी तरह से चीज़ें सुधर जाए। अपनी दर्द भरी कहानी सुनाती 40 साल की महिला सामान्य गरीब तबके से नहीं बल्कि हाईली एजुकेटेड है, NRI भी है, जो बता रही है कि कैसे इसका घर लाख कोशिशों के बावजूद भी बिखर गया। भोपाल की इस तलाक पीड़िता की तकलीफ तो 19 साल पहले यानी शादी के बाद से ही शुरू हो गई थी, जब लगातार उसका पति पैसों को लेकर उससे डिमांड करता था कि मायके से पैसे अरेंज करवाओ। लेकिन जब पीड़िता के मायके वाले उसके पति की डिमांड पूरी नहीं कर पाए तो उसने एक ही झटके में व्हाट्सएप पर तलाक दे दिया। मेरे बच्चों को रख लिया, मेरी मम्मा को रख लिया, मम्मा को मेरे साथ आने नहीं दिया, मेरे बच्चे मेरे साथ आना चाहते थे उन्हें नहीं आने दिया, मेरे फोन्स ले लिए, मेरे हर चीज़ ले ली, बस घर से बाहर निकाल दिया। मैं अपनी दोस्त के घर 3 दिन बाहर रही, यही सोच के कि किसी तरह से समझौता होगा, रिकन्सिलिएशन होगा, मेरे हस्बैंड का गुस्सा कम होगा, बात मानेंगे, लेकिन नहीं, कुछ नहीं। उसके 2 दिन बाद मेरी मम्मा के साथ बदतमीजी करी, आधी रात को उन्हें परेशान करा। मेरी मम्मा बूढ़ी है, डायबिटिक है, हार्ट पेशेंट है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं सोचा उन्होंने। मेरे भाई ने रिक्वेस्ट करी कि आप कम से कम कोविड के टाइम ये सब नहीं करिए, कहाँ जाएंगे ऐसे। व्हाट्सएप के जरिए ट्रिपल तलाक का ये मामला सुर्खियों में है, क्योंकि ये मामला सामने आते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने इस मामले में DGP से बात की है, उन्होंने बेंगलुरु पुलिस से संपर्क कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान उन्होंने ट्वीट कर तलाक पीड़िता को विश्वास दिलाया है कि मध्य प्रदेश सरकार पीड़ित महिला को जरूर न्याय दिलाएगी। फिलहाल पुलिस ने भी पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और मध्य प्रदेश पुलिस अब बेंगलुरु पुलिस से जानकारी लेकर आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए बेंगलुरु भी जाएगी। कोए फिजा में एक 40 वर्षीय महिला है, उन्होंने अपने परिजनों के साथ रिपोर्ट आके लिखाई है कि उनके पति ने उनको घर से निकाल लिया और जब वो बेंगलोर से चल के अपने घर भोपाल आई तो टेलीफोन पर उसके पति ने उनको 3 तलाक दे दिया। उसके पति का नाम फैज आलम है, जो एक बड़े होटल में जनरल मैनेजर के पद पर पदस्थ है। जो भी सरकार ने नया कानून बनाया है मुस्लिम महिलाओं के विवाह अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019, इसके प्रावधानों के तहत ये अपराध की कायमी की है। उस महिला उच्च शिक्षित हैं, उनके पति भी उच्च शिक्षित हैं और उनके 2 बड़े-बड़े बच्चे भी हैं। सर, कारण क्या सामने निकल के आ रहा है कि किस कारण के चलते यह तलाक दिया गया है? ये उसने महिला ने जो अपना बताया तो उसने कुछ
डाउरी की मांग और पति के द्वारा उसके ऊपर अनअपेक्षित आरोप लगाना, इस टाइप की बात सामने निकल के आई है। और दोनों ही उच्च शिक्षित हैं और ये NRI भी हैं। अच्छा सर, लेडी है वो NRI है, उसका पति भी NRI है। अच्छा सर, पति कहाँ पे काम करते हैं? ये बैंगलोर में किसी बहुत बड़े होटल का जनरल मैनेजर है। अच्छा सर, कब तक सर पकड़ लिया जाएगा? ये हमने प्रकरण दर्ज कर लिया और हम अतिशीघ्र बैंगलोर पार्टी गए। बहरहाल तीन तलाक पर भले ही सख्त कानून बन गया हो, लेकिन साल बीतने के बावजूद भी सालों पुरानी इस कुप्रथा को इस तरह के पढ़े लिखे लोग आज भी बेखौफ तलाक कहने से गुरेज नहीं करते हैं, जिस पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, MP तक।